तेरे पे लगाया है। और सच्चाई आपको मैं बताना चाहूँगा, पहले जो भी जब या कांग्रेस की टिकट होती थी, बीजेपी की टिकट होती थी, 60 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर चेहरे को देते थे। इस बार पहली बार मुझ पर भरोसा किया है। अगर मैं एमपी बना, अगर मैं एमपी बना यहाँ से कांगड़ा चंबा लोकसभा का, तो मैं कांगड़ा चंबा लोकसभा की जनता को बताऊंगा कि एमपी क्या चीज है। जिस तरह मैंने अपना विधायक रहा, दूसरी बार मैं विधायक चुन के आया, पहली बार मैं जगत राज दिल्ली सीट से उतर आया, दूसरी बार कांग्रेस का टिकट से मैं जीता। तो पहली बार युवा को दिया है, युवा होने के नाते, मैं तो पहले भाषण में भी आपको कहा, युवा होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी पहले कोई भी पार्टी टिकट मिलती थी 70 साल और 60 साल वाले कुछ बोल सकते रहे। नेचुरली हम भी जब 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, हम क्या काम करेंगे, हम सोने तो जाएंगे दिल्ली। पर ऐसा नहीं है, पवन काजल के ऊपर भरोसा किया है। पवन काजल की उम्र जो अभी 45 साल है, जनता को बताऊंगा, प्रदेश को भी बताऊंगा और टॉप लीडरशिप को भी बताऊंगा, अगर जीत गया तो कैसे काम जनता के करेंगे। आदनी शांता कुमार जी के बारे में सारी बातों का जो जवाब दे दिया, जब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, 70 साल का हो जाऊंगा, तो मैं क्या काम करा पाऊंगा। सर नया प्रोजेक्ट क्या लेके आएंगे आप? उस सीमेंट फैक्ट्री वाली बात जब वो मैंने जो मैंने बोला है, आपको पता है मैं जब विधायक बना था मैंने कहा था एक पुल नहीं बनता था 22 सालों से हारजलाड़ी खल्टी को जोड़ने वाला, जो राजल नंदरूल और खल्टी की जनता को मैंने कहा था अगर मेरे कार्यकाल में ये पुल नहीं बना तो मेरे को अंदर बढ़ने नहीं देना। आपने वोट देने की बात तो बाद में रहेगी, बढ़ने नहीं देना अंदर। आज आपके सामने उस पुल का काम शुरू है, 22 पंचायतों को जोड़ने वाला, इसी क्योंकि पंगा क्या, मेरे को कई बार अपना अपना स्टाइल है तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा रहता है कोई ना कोई मैं मतलब चैलेंज हूँ। तो इस बार मैंने चैलेंज ये लिया कि जो जब हम छोटे छोटे होते थे, पढ़ते थे स्कूल में, पढ़ते थे तो तब से होता कि चंबा में सीमेंट प्लांट लगेगा। अगर मैं एमपी बना तो अपने कार्यकाल में चंबा के सीमेंट प्लांट को लगाने का पूरा प्रयास करूंगा। सर नहीं लगाया पाया तो चंबा नहीं जाऊंगा। सर क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के सभी बाकी आपको कोऑपरेट करेंगे? और सारे करेंगे, कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एकजुटता के साथ काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी ही संस्कृति, जो संस्कारित पार्टी है कांग्रेस पार्टी, मालिकाना हक दी है कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो काम करती है। और सबसे बड़ी बात राहुल गांधी जी ने सबसे जो गरीबों के लिए जो बीमे का 6,000 रुपया, मोदी की तरह नहीं, आदमी मोदी की तरह नहीं है कि 15-15 लाख रुपया दे देंगे, 15-15 लाख रुपया दे देंगे। कांग्रेस पार्टी ने 6,000 रुपया प्रति महीना दे दिया, साल का 17,000 रुपया। केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हो पाया अभी पिछले 12 वर्षों से, उसके बारे में ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हो पाया, मैं जो सारी बातों का मैं एक ही जवाब आपको दे रहा हूँ कि अगर जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे को आप दिल्ली भेजोगे तो मैं क्या कर पाऊंगा। पहली बार हमारे हाई कमांड ने मेरे को एज ए यंग है, जो बोल लो कुछ भी बोलो, या मादा है या कुछ, अच्छे घोड़े पे दाब लगाया, ठीक है ना। जब मैं इस उम्र में जाऊंगा कुछ ना कुछ करूंगा, तो ये कारण है। अच्छा, जो जो काम नहीं हो सके मैं उनको प्रयास करूंगा। आप बड़े भरोसे से कह रहे हैं कि सभी कांग्रेस एकजुट होंगे, क्या इनको ऊपर से टिकट पलाई गई है? ऐसा ना, गुट्टी गट्टी तो हाईकमान ने गुट्टी गट्टी है, गुट्टी गट्टी तो नहीं होती है, गुट्टी गट्टी हाईकमान के पास गुट्टी नहीं होती है। पर मैं बताना चाहूंगा वो कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और एकजुट होकर काम करेगी। और जब वो तो ऐसा ना, मैं अभी आपको सबको पता, मैं आउट ऑफ कंट्री था, मैं कल शाम को आया। ये जो जितना भी कार्यक्रम हुआ कुछ भी है, इसमें मैंने किसी को भी नहीं बोला, मैंने जो ड्यूटियां लाई थी। हाँ, बाली साहब से मेरी बात हुई कल शाम को, तो उन्होंने कहा यार मैं ना यहाँ पे दिल्ली मेरे को काम है और दिल्ली में थोड़ा सा रूटीन चेकअप करा रहा हूँ, तो आप कर लो, उसके बाद हम 10-11 के बाद जो है हम अपनी मीटिंगें करेंगे। नगरोटा मेरे को 10 और 14 के बीच में, तो ऐसा कुछ नहीं, एक कोई बात है। अब सिर्फ हमने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, एक मकसद, एक जुट हो,
एकजुट होकर हमने प्रधानमंत्री बनाना है, इसके लिए सब काम करेंगे सर।